रिशु बेटा, ईशु बेटा, आईफोन 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 आईफोन। आईफोन। तो अब लिवाइस वगैरह शॉपिंग करके ना मेरे को समझ आ रहा है कि कहीं महंगी ब्रांड ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सस्ती जगह पे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। कहीं अच्छी दुकान पे ही चलते हैं जहाँ हमारी जैसा सामान मिले। यू ऑलरेडी नो बेबी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का नया ब्लॉग शुरू हो रहा है होम डिपो के अंदर से, और ये वैसे तो रात ही चल रही है मेरी। जो कल आपने अगर ब्लॉग देखा हो तो जाके चेक कर लो कल वाला। मैं अभी काम कर रहा हूँ और होम डिपो से उठ रहा है, सो मैं सोच रहा हूँ कि गार्बेज बैग्स वगैरह वाले सामान उठा लें, क्योंकि अभी हमें मूव करना है तो बहुत चाहिए होंगे। सो वो सामान उठाते हैं एंड बाकी डोरडैश पिकअप करते हैं, एंड बाकी ब्लॉग हम उठने के बाद कंटिन्यू करेंगे। बट शुरू यहाँ से हो गया। सो कैसे लगी आपको एंट्रेंस, लाइक शेयर कमेंट करके बताओ भाई को। लेट्स गो। तो मेरे को याद आया कि भाई तुम्हें बताया नहीं मैंने कि होम डिपो चीज़ क्या है। होम डिपो है घर की दुकान, मतलब घर से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, घरवाली छोड़ के यहाँ सब मिल जाएगा। कुछ भी अपना लकड़ी का सामान, प्लास्टिक का सामान, घर का कोई भी यूज़ हो, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, छोटे से लेकर बड़ी बड़ी आइटम सब मिलता है, सब मिलता है। और सुबह 7 बजे खुल जाता है, सबसे बेस्ट पार्ट। तो अब अपना थोड़ा सा ये सामान ले लिया अपने, गार्बेज बैग्स बाकी उठाते हैं। आ जाओ। सो तुम ये बात समझो भाई, तुम्हारा अभी तक 8:30 हो गई है सुबह की, अब तक सोया नहीं है, काम कर रहा है और तुम्हारे साथ ब्लॉगिंग भी कर रहा है, एडिटिंग भी कर रहा है, अपलोड भी कर रहा है। प्यार दिखा दो, लाइक से सब्सक्राइब करके, मज़ा आएगा। सिनेमैटिक में चेक करो, सब धुंधला धुंधला लागे, पीछे वाला डार्क सर्कल दिख रहे हैं मेरे, ये देखो अंधेरे में। सब ये है वो कार्ट हम जो लेके जा रहे हैं गाड़ी में लोड करने। शांति में बोलो। तो अब चलते हैं, इसको लोड करते हैं गाड़ी में एंड सामान ड्रॉप ऑफ करते हैं एंड देन ये वहाँ छोड़ देंगे। फ्री मिलेंगे ना कहियो, या ब्रो ये मत बोल दे भाई, 370 वाले 160 में मिले। चल फिर भी ठीक है, बहुत छपाई साहब। बस 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 यही यही चाहिए थे। रिशु बेटा, आईफोन आईफोन एप्पल 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 होगी भाई, ये तो भर गए पैर। हाय 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 ब्रो, बहुत सही बहुत सही। कितने का बड़ा, 135 का? 135 ब्रो पर मंथ, सारा कुछ में लागे। ठीक है गुड। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है कहाँ से? बहुत ऊपर से। तो अब हम जा रहे हैं भाई थोड़ा सा घर देखने। अभी मैं तुम्हारे व्लॉग एडिट कर रहा था मानव के नए एयरपोर्ट में, चेक करो भाई मेरे पुराने मिल नहीं रहे। सो वन लाइक इज इक्वल टू वन प्रे फॉर माय न्यू एयरपोर्ट्स। नहीं नहीं, पुराने मिल जाए भाई। बोल, वन लाइक इक्वल टू भाई मेरी अगली किस्त। अमाउंट घटती रहेगी, भगवान करे। आज तो क्या कहते हैं, हम चलते हैं घर देखने एंड लेट्स गो, क्योंकि घर नहीं मिल रहा और इतने दिन से हम बेघर होने वाले हैं। तो भाई मेरे को एक दो कमेंट याद आए जो मैं अभी पढ़ रहा था, तो उसमें ना लोग पूछ रहे थे भाई कहाँ से हो बता दो एंड वीडियो में बता दो। तो भाई मैं हूँ हिसार हरियाणा से, ये मोटा भी है, मानव भी है हिसार हरियाणा से, और इसके वीडियो पे, इसके चैनल पे जाके वीडियो देख लो एयरपोर्ट्स और ये आईफोन की अनबॉक्सिंग की, आज या कल आ जाएगी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। एंड हम दोनों हिसार हरियाणा से, एंड मैं देखना चाहता हूँ भाई अपने बाकी सारे कहाँ कहाँ से हैं, तो अपने कमेंट कर दो कहाँ कहाँ से हो, ताकि हमें पता लगे हमारे भाई कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। एंड 2 रुपये की सेक्सी, तुम्हारा भाई एज यूजुअल सेक्सी। कहाँ जा रहा है, किधर जाएगा, किधर जाएगा भैया? ओ क्या सो लॉन्ग, वेलकम टू सरी ब्रो। भाई आज वाले, आज आई सॉ द स्टोरी ब्रो, आज आज वाले ब्लॉग का टाइटल ही मैं ये रखने वाला हूँ, वेलकम टू सरी ब्रो। नहीं वही वेलकम, यू नो इंग्लिश इंग्लिश, ओह माय गॉड। और एनआरआई एनआरआई गया था ना इंडिया, कन्ना से कोके इंडिया गया था ना एनआरआई, तो इंग्लिश बाहर आ रही है। अच्छा जी, उठे तो नहीं मारी इंग्लिश। तो ब्रो ले चलो फिर, अभी हम गिलफर्ड करवा दो खर्चे। ये 170 की सुबह सुबह कानों के झुमके आए हैं, लेटेस्ट है। कौन से ब्रो, यू नो प्रो से नीचे बात ही नहीं करते हम, प्रो लोग हैं क्योंकि 170 की बात, दैट्स इट। ओए भाई पता कि नहीं, बता ना, 370 सॉरी 370 डील चल रही थी बॉक्सिंग डे। की कह रहे, व्हाट डू यू मीन बाय जणा खणा,
ਨਾਈਕੀ ਪਾਈ ਸਕਦਾ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਇਹ ਚੱਪਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ नहीं नहीं सर रुको भाई क्या करोगे जाके भाई जो वहां है वो आने को तरस रहे तुम जाने को तरस रहे हो तो आगे हम गिल्फर्ड मॉल तो चलते हैं कुछ शॉपिंग करते हैं कुछ H&M जैसी दुकान थैंक यू डू दी ओनर से दरवाजा खोलो हमारे लिए मोटे गिफ्ट मेरी तरफ से चल मैं कर ले ले जा बाय बाय ये बंदा नहीं इसको लेके जा बंदा ना ले लीजिएगा कहाँ है ऐसा लगेंगे फिर इमेजिन करो मेरे को भाई जो इंसान आईफोन का नहीं हो सका ना वो किसी का नहीं हो सकता अगर ये आईफोन जब सैमसंग चला रहे हैं चूज़े आईफोन ही चला भाई फोल्ड भी यार सैमसंग थोड़ी यार सैमसंग जब इंसान आता है आईफोन भी उसकी जिंदगी का पर्पस होता है अमीर होना और आईफोन लेना बंदा कैनेडा क्यों आता है आईफोन लेने आईफोन कैनेडा से इंडिया से आके आधे बंदे के पास आईफोन है हर कोई इंसान समझदार है कोई सैमसंग में पैसा वेस्ट नहीं कर रहा कमेंट में जाके इसको कोई सद्बुद्धि दो जाके लिंक में जाके इसकी इंस्टा पे जाके दो सद्बुद्धि नहीं पैसे दो थोड़े ये भी ठीक है ये तो फिर मेरे को भी दे दो इसमें क्या कमी है अभी तुमने पैसा ले लिया तो भाई अब लगा ही दिया तो अभी कवर ही मेरे को भी दिला एक और हो जाएगा तो भाई इनफ ऑफ H&M आज हम जैक एंड जोंस जाएंगे देखने खरीदने अच्छे में जाएंगे देखते हैं क्या ये ले लेंगे एक ये दे दो और एक ये दे दो और ये सब पैक कर दो लग रहा है अंदर भाई बहुत सेक्सी है। एक ये ले लेते हैं भाई दिल बहुत प्यारी है इसकी हाइट पर छोटी लग रही है मेरे को ये एल कल दोबारा नहीं भाई एक सामान ले लिया भाई ने वन मोर टू गो 31st वाला सामान आ गया फर्स्ट वाला मैं तुम्हें दिखा दूंगा 31st वाला सरप्राइज टिक टिक सोनी सी स्वेट है तो अब लिवाइस वगैरह शॉपिंग करके ना मेरे को समझ आ रहा है कि कहीं महंगी ब्रांड ही जाना पड़ेगा क्योंकि सस्ती जगह पे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है कहीं अच्छी दुकान पे ही चलते हैं जहाँ हमारी जैसा सामान मिले यू ऑलरेडी नो बेबी तो फाइनली शॉपिंग डन दो सामान ले लिए 31st के लिए हम रेडी हैं सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोस ब्लॉग्स भाई ऑलमोस्ट तो क्या लाइक एवरी टाइम टू सेक्सी लगने वाला है ये कपड़े मैं सोच रहा हूँ मैं बाद में ही दिखाऊँ क्यों अभी दिखा के स्पॉइल करूँ ना मज़ा नहीं रहेगा नरेश ड्राइविंग आफ्टर सो लॉन्ग इन कनाडा या ब्रो आफ्टर 40 डेज चलो भाई 40 डेज के बाद प्लीज सही चलाइए भाई न्यूट्रल है ब्रो ये देख लो क्या है नरेश 40 दिन में तो कनाडा की ड्राइविंग भूल गया नहीं ब्रो नहीं वहां पे भी तूने ऑटोमेटिक चलाई अभी तो भाई बातें चेक करो सही है ऑटोमेटिक चल रही है गाड़ियां आगे 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 पंजाबी मुंडे आगे 214 प्रोज लेके आगे ट्रीके तो आ ही गई है चल भाई पिनिया खिला नरेश ये यार लग रहा है ना इंडिया से आया कोई गज्जक खाऊंगा पहले तो भाई गज्जक अपनी फेवरेट है कि मम्मी मैं गज्जक खा रहा हूँ इस इन लिफाफों को 25 सेंट भी नहीं देना पड़ता भाई चलो भाई देखते हैं इंडिया से क्या क्या सामान आया ओ माय गॉड ये सारा सामान उठा ले मोटे बैग में खट्टम खट्टा भाई हमारे वहां नहीं मिलता हरियाणा में खट्टम खट्टा बाद में जाइयो तो भाई आज वाला व्लॉग थोड़ा सा आधा घंटा लेट है मैं अपलोड करा था कई देर से और भाई जो मेरे को प्यार दिखाता था मेरे को इतना अच्छा लगता है कि 0 व्यूज और 4-5-6 लाइक बिना देख के लोग लाइक कर रहे थे ये जो प्यार है तुम्हें भरोसा है भाई पे कि अच्छा ही होगा लाइक कर देते हैं ऐसे प्यार दिखाते रहो और कमेंट कर देते सिरा भाई पहले देख तो लो पूरा पर बढ़िया कर दिया करो भाई इससे रीच बढ़ती है लाइक कमेंट सब कर दिया करो थैंक यू तो जीशन भाई तेरे लिए स्पेशल मैं घर आया हूँ एक सवाल पूछना नरेश से क्योंकि मैं भूल गया था तो इमिग्रेशन का क्वेश्चन पूछना और मैं काम पे था मैंने कहा भाई जीशन भाई का सवाल रहेगा दो लोग आगे अभी नरेश से जाके सवाल पूछते हैं कि इमिग्रेशन पे क्या पूछा गया तो नरेश भाई जीशान अली का सवाल है तेरे लिए कि इमिग्रेशन पे क्या पूछा गया और बाकी सबकी भी हेल्प हो जाएगी ब्रो मैं गया था सेकंड टाइम मेरी स्टडी चल रही है डिग्री 2 साल की हुई है तो उन्होंने जस्ट जाते समय तो कुछ नहीं पूछा आते समय उन्होंने वीजा चेक किया और कहा कि सेकंड टाइम जा रहे हैं मेरी स्टडी चल रही है बस तो अब तेरे साथ एक जो नए लोग आए थे उनसे कुछ एक्स्ट्रा सवाल पूछे नो अब भी तो इस बार तो कुछ नहीं है जस्ट वो पेपर्स चेक करते हैं कॉलेज नहीं पूछते हैं और कोर्स नहीं दैट्स इट ओके सो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती इमिग्रेशन पे इजीली आ जाते हैं सर मेरे में कुछ नहीं पूछा गया था नाम पता बस
अपना नाम पता पता रखो, बाकी सब सेट है। सो यही था आज की चैनल, यही था आज का ब्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। ये देखो जब एक मस्टैंग दूसरी मस्टैंग से रूठ जाए तो मुख मोड़ कैसे खड़ी होती है। हस्बैंड वाइफ है दोनों, ब्लैक वाली हस्बैंड है। ऑल जोक्स बट बहुत सेक्सी लग रही है दोनों।